कांग्रेस प्रवक्ता बालाघाट लौंजी विधायक हीना कांवरे पहुंची शोकाकुल परिवार के बीच। वहां उन्हें मृतक जौहरी कुशवाहा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं शोकाकुल परिवार के बीच पहुंची विधायक हीना का चांदी का मुकुट पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहां बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के 55 वर्षीय चाचा जौहरी प्रसाद कुशवाहा निवासी भारोली हाल सीतानगर का बीमारी के चलते 7 जनवरी को असमय देहांत हो गया था। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया, कांग्रेस संगठन विस्तार कर रही है। जहरीली शराब से मौतों पर मंत्री के लिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में वो बचती हुई नजर आई। उन्होंने कहा, विधायक मंत्री के क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई 4 मौतों को लेकर मंत्री का अपना तरीका है, वो क्यों नहीं पहुंचे उस क्षेत्र में उनका अपना मसला है। आज चूंकि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मानसिंह कुशवाहा जी, उनके चाचा जी का निधन हो गया था और मैं इस इलाके में आई थी, तो निश्चित रूप से चूंकि ये मेरा ही परिवार है और अगर कोई दुख का समय होता है तो हम लोग सब साथ होते हैं, तो उसी दौरान मैं यहाँ आई हूँ। और आते वक्त काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई, इस तरफ का सब लोगों से बातचीत हुई है और आने वाले समय में क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी इन विषयों पर, संगठन को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं अलग अलग लोगों से सुनकर और जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, और उस पर काम करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। सवाल क्या है कि यहाँ एक घटना घटित हुई है, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है उनकी ग्राम में, या जहाँ मंत्री हैं सरकार के जी उनके क्षेत्र में उनको वक्त नहीं मिला वहाँ जाने के लिए, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये उनका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं मानसिंह कुशवाहा जी, उन्होंने समय रहते वो वहाँ पर गए, बकायदा उन्होंने परिवार के साथ खड़े हुए जो मुद्दे उठाने थे उन्होंने उठाया, जो एक जिम्मेदार जिलाध्यक्ष को काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया। और हम चाहेंगे कि हर समय कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अपना काम करती रहे। जो मंत्री हैं उनकी कार्यशैली को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ की जनता अपने आप उनको समझती है और आने वाले समय में इसका असर भी दिखाई देगा। जिले में संगठन विस्तार क्या तैयारी है? मानसिंह कुशवाहा जी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उन्हीं के निर्देशन से सारे संगठन के काम किए जाएंगे। संगठन में नियुक्तियां भी होगी, बकायदा समय समय पर परिवर्तन भी होगा। कांग्रेस स्थापना दिवस के दौरान एक सवाल आया था कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, संगठन का विस्तार नहीं हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, महिलाओं को जोड़ना तो कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। आज आप देखिए कि जब अवसर मिला तो मैं 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जो बनी, तो मुझे अच्छे से याद है कि उस समय पहली बार किसी महिला को मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष बनने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। मेरे से वरिष्ठ लोग भी थे पार्टी में, उसके बावजूद पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं सेकेंड टाइम की MLA थी, तो मैं इतना जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जब जब अवसर मिलता है तब तब कांग्रेस महिलाओं को सामने लेकर आती है और आगे भी लेकर आती रहेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।